सो क्या हुआ कि हम लोग गए थे कायाकिंग के लिए। कायाकिंग के बाद कैमराज वगैरह की बैटरी ख़त्म हो गई थी, तो हम लोग फिर लंच के लिए गए। लंच के बाद सीधा यहाँ पे आ गए थे, कुछ एक बजे, 1:30 एक बजे आ गए थे। हाँ, 1 बजे आ गए थे। और फिर उसके बाद क्या, कल की बारिश की वजह से क्या है कि मेरी थोड़ी हेल्थ डाउन है, तो इसलिए मैं आज मैं ऐसे मतलब रोते रोते जा रहा हूँ। यहाँ ये वाला जो रेस्टोरेंट है, यहाँ पे ये सीन है कि ये बंदा म्यांमार से आया है और इसके जो मामा है उसने यहाँ पे थाई लड़की से शादी कर रखी है, तो वो इसकी मामी बन गई, तो कल खुश हो रहा था। 10 साल हो गए इसके यहाँ। तो चलो अभी हम लोग जा रहे हैं RT-PCR टेस्ट के लिए। RT-PCR टेस्ट करवाना ज़रूरी है, बिकॉज क्या है कि इंडिया में एंट्री नहीं देता अगर आप एशियन कंट्रीज से घूम के आओ तो, थाईलैंड, चाइना वगैरह वगैरह, ऐसे करके 4-5 कंट्रीज़ की लिस्ट निकाली गवर्नमेंट ने, तो हमको RT-PCR टेस्ट करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं, अभी वॉक करके जाते हैं थोड़ा आगे, कहाँ पे मिलता है कोई अच्छा सा क्लिनिक। वैसे होटल वालों ने कुछ रेकमेंड तो किया है, लेट्स सी वहाँ पे क्या कहता है वो RT-PCR में। चलो चलते। तो गाइस हमें एक क्लिनिक मिला है जो होटल वालों ने हमें रेकमेंड किया था, तो हम उस क्लिनिक में जाते हैं सबसे पहले, डॉक्टर ओशन करके। अब इसमें आज क्या है कि कल हम लोग जिस तरह से बारिश में भीगे रहे और बीमार हुए, क्योंकि कल फुल डे बारिश हुई है, तो उसमें हम लोग 2-3 बार भीग गए, तो उसकी वजह से थोड़े से क्या गला वाला चला गया है। बट ठीक है, आई होप RT-PCR टेस्ट पॉजिटिव ना आ जाए और ना लग जाएंगे बुरे वाले। हे गाइस, तो अब सीन ये है कि यहाँ पे क्या है कि 5 बजे से पहले आना था हमको, वरना RT-PCR टेस्ट बंद हो जाता है। पहले उसने बोला 8 बजे तक आओ, तो अब बोल रही है 5 बजे से पहले आना था, फालतू का। चलो आगे ढूंढते हैं, अभी 5:55 हो रहा है टाइम, और मैं आज एकदम पोपटलाल जैसा दिख रहा हूँ, हाथ में छाता लेके, क्योंकि कल हम लोग भीग गए थे। चलो ठीक है, वो सब। सो फाइनली हमें ये क्लिनिक मिल गया जहाँ पे RT-PCR टेस्ट होता था। बड़ा महंगा यार, मतलब 2000 baht फॉर 1 पर्सन, तो हम लोगों के 4000 baht लगे, और उसके साथ मतलब अगर आप इसको रुपी पे कन्वर्ट करेंगे तो करीब 9000-10000 पड़ेगा। बट ठीक है, यहाँ पे हो गया ये फर्स्ट स्टैंडर्ड क्लिनिक पे। हम लोग इंश्योरेंस करवा रखा है हमने सब तरीके का, तो क्लेम करेंगे और 8000 वापस लाएंगे हमारे। हेलो भाई, व्हाट्स अप, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, वणक्कम, सलाम है, जय श्री कृष्णा, सवादी खा, कैसे हो आप लोग। मेरी जो 50% एनर्जी वो ये बोलने में निकल गई है, मतलब कल का दिन मैं ज़्यादा ब्लॉग कर नहीं पाया बिकॉज इतनी ज़्यादा तबीयत खराब थी, आवाज़ तक ढंग से नहीं निकल रही थी कल। बट ठीक है, आज थोड़ा मुझे अच्छा फील हो रहा है, लिटिल बिट, ज़्यादा भी नहीं। तो अभी हमने ब्रेकफास्ट किया है, और वैसे मुझे ये ब्लॉग का शुरुआत करनी थी होटल रूम से या फिर होटल के अंदर से ही चालू करना था, बट इतना हसल बसल में क्या हुआ कि कार में बैठे हैं होटल के बिल्कुल बाहर और वेट कर रहे किसी और का भी, शायद कोई और भी आएगा हमारे साथ। तो आज हम जा रहे हैं यहाँ के जो 4 आइलैंड्स जो हमने रास्ते में देखे थे, रास्ते में एज इन जब हम क्रवी आ रहे थे, तो वो 4 आइलैंड्स यहाँ के रास्ते में थे, तो चिकन आइलैंड, पौड़ा आइलैंड वगैरह वगैरह, तो वो 4 आइलैंड हम जाने वाले हैं आज स्पीड बोट से। जैसे हमने फंगा बे किया था, वो भी 4 आइलैंड्स थे ना, 4 या 5 आइलैंड्स थे, तो वहाँ पे भी हमने स्पीड बोट से गए थे, तो यहाँ पे भी सेम है। तो चलो जल्दी से चलते हैं। ड्राइवर भैया आ जाओ यार, ले लो फटाफट, इट्स ऑलमोस्ट 8:45 एंड वी आर अबाउट टू लीव नाउ। चलो चलते हैं। यू रेडी? ही यू। वो एक चीज़ जो हमने यहाँ पे मोस्टली नोटिस करी, मतलब जो दूसरे सब लोग बहुत सिंपल हैं यहाँ पे, और थाई लोग देख लो बाहर के, कोई कई किसी हम श्रीलंकन से मिलते हैं, कभी पोलैंड वाले से मिलते हैं, कभी यूके वालों से मिलते हैं, अलग अलग जगहों के लोगों से मिल रहे हैं हम लोग। बट जितने ज़्यादा इतराए हुए जो इंडियंस होते हैं ना, उसका कोई भी नहीं है ना, इतने इतराए हुए लोग हैं भाई। मैं
इंडियंस यहाँ पे आके पता नहीं क्यों अपनी सिंपलिसिटी खो देते हैं। चलो क्या है अपने को क्या पड़ी। एंड गाइस और मैं आपको बता दूँ, देखो जैसे मैं बीमार हुआ था तो फिर मैंने यहाँ पे बहुत सर्च किया है कौन सी कोल्ड कफ में कौन सी टैबलेट्स कौन सी क्या हो सकता है, तो मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। अभी बैठे हुए फ्री टाइम है तो आपके पास थोड़ी इन्फॉर्मेशन चली जाएगी, जब भी आप थाईलैंड आओ तो आपके बहुत काम आने वाली ये सब चीज़ें। तो देखो गाइस, एक तो यहाँ पे 7-Eleven या फिर किसी भी फार्मेसी से आप अगर आपको कोल्ड कफ जैसा कुछ भी हो रहा है, फीवर, बॉडी पेन वगैरह कुछ भी, तो टिफी करके एक मेडिसिन आती है, तो टिफी करके वो जो मेडिसिन है वो आप ले लो। टैबलेट्स आती है 10 बाट में आ जाएगी, 4 टैबलेट आती है उसके अंदर, तो आप टिफी ले सकते हो। अगर आप घर से कुछ नहीं लाए हो तो टिफी पे आप डिपेंड कर सकते हो। इट्स लाइक डोलो। हेलो हेलो या नॉट अ प्रॉब्लम। तो गाइस आप टिफिन ले सकते हो अगर आपको ऐसा है कि यार थोड़ा सा फीवर वगैरह ऐसा कुछ भी हो रहा है, तो आप टिफिन ले लो यहाँ पे आके, तो इट विल वर्क। मैंने भी रात को टिफिन लेके सोया था, मतलब इतनी गर्मी लगने लगी और इतना सही हो गया कि एसी चलाना पड़ गया फिर मुझे, और फिर मैं आराम से सोया हूँ, बहुत अच्छे से सोया हूँ। सुबह टाइम पर मेरी नींद खुल गई बिना अलार्म के, और अभी मुझे थोड़ा अच्छा फील हो रहा है क्योंकि मेरी जो बॉडी पेन है वो चला गया, और हल्का सा बस गले में कुछ रहा है। तो ब्रेकफास्ट अभी किया है तो एक और डोज ले लेता हूँ टिफी की, और उम्मीद करता हूँ कि आज का दिन बहुत अच्छा जाए। बिकॉज़ क्या होता है ना, गले का गला अगर मेरा चला गया तो क्या मैं कोई ठंडी चीज़ पी नहीं पा रहा हूँ, और मुझे ऐसा है कि अगर मैं वो चैंग बियर नहीं पीऊँ तो फिर मतलब बकवास है फिर साइलेंट आना। चैंग बियर इतनी ज़्यादा टेस्टी, मतलब वो नहीं पिया तो फिर क्या ही पिया ज़िंदगी में। तो चलो गाइस वी आर ऑन आवर वे। हे गाइस व्हाट्सअप, सो हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे, स्पीड बोट का वेट करें जब स्पीड बोट लग जाएगी, और फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे बढ़िया एक 4 आइलैंड टूर के लिए। बैठे हुए यहाँ पे मतलब कुछ इंडियंस हैं और कुछ लोग बाहर के हैं, मुझे नहीं पता इनकी नेशनलिटी, बट ठीक है हम लोग बैठे हुए वेट कर रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ खाना पीना हो किसी को तो फिर उसके लिए फैसिलिटीज़ है, मतलब छोटा कुछ जूस वगैरह है और कॉफ़ी वगैरह एक आध कुछ चीज़ खाने की भी है। ठीक है हम बैठे हुए, चलो वेट करते हैं स्पीड बोट का, फिर लेते हैं मज़े। अभी अभी जस्ट मैंने अपनी मेडिसिन लिया, आई होप आज थोड़ा एनर्जेटिक फील करूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है एनर्जेटिक फील करना, वरना ब्लॉग में अगर एनर्जी नहीं आएगी तो आप लोग को डर लगेगा, फिर आपको भी मज़ा नहीं आएगा। आई एम ट्राइंग माय बेस्ट कि मैं आप लोग को डिसअपॉइंट ना करूँ, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड प्लीज़ 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 अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो थाईलैंड को रिलेटेड या फिर अलग अलग जगह जहाँ पे मैं जा चुका हूँ वहाँ से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सबके साथ शेयर करना गाइस प्लीज़, गला ख़राब है फिर भी आप लोग क्लिक कर रहे हो, मुझे आज आना ही नहीं था यहाँ पे, मन ही नहीं था कि बेड से उठूँ, बट फिर भी मैं आया हूँ सो दैट आप लोग को मज़ा आए। तो एवरीथिंग फॉर यू गाइस एंड एनीथिंग फॉर यू। हाँ चलो तो स्पीड बोट आ जाए फिर निकलते हैं। Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind. Hey guys, what's up? So हम लोग आ गए हैं इस आइलैंड पे जिसका नाम मुझे अभी पता नहीं है, उसने बोला था बेचारी ने, पर मेरे को याद नहीं रहता यहाँ के नाम। तो ये देखो ये स्पीड बोट में हम लोग आए और यहाँ पे मुड़ जा। हाँ तो यहाँ पे ये ग्रीन वाटर, ब्लू वाटर, ग्रीन वाटर, मस्त एमरल्ड कलर वगैरह सब यहाँ से मस्त पानी वानी। तो चलो अब चलते थोड़ा आगे। But we get up and start from the ground.